हाय गाइज, मेरा नाम है कल्पेश गर्ग और अपने स्टूडियो में आप सभी का मैं वेलकम करता हूँ। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि बहुत जल्दी LIC का IPO आने वाला है और आप में से बहुत सारे लोग LIC का जो IPO है उसमें अप्लाई भी करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, एक खास बात यहाँ पर यह है कि LIC का जो IPO होगा, जितने भी शेयर बाहर निकलेंगे उसमें से 10% शेयर उन लोगों के लिए रिजर्व रखे गए हैं जिन्होंने LIC की पॉलिसी करवा रखी है या जो LIC के कस्टमर हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी LIC के कस्टमर हैं और आप उन रिजर्व शेयर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका IPO का अलॉटमेंट हो जाए, वो 10% में भी आपका नंबर आ जाए, तो उसके लिए आपको दो चीजें करनी पड़ेगी। पहला तो आपकी जो LIC है उससे आपका जो पैन कार्ड है उसे लिंक करना पड़ेगा और दूसरा आपको एक डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। डीमैट अकाउंट आप कहीं पे भी ऑनलाइन आसानी से खुलवा सकते हैं। जेरोदा है, अपस्टॉक है, एंजल वन है, ऐसे बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जहां पर घर बैठे आप अपना डीमैट का अकाउंट खुलवा सकते हैं। और दूसरी बात ये रही कि आपकी जो LIC पॉलिसी है उसमें पैन कार्ड को लिंक करना वो कैसे करेंगे, तो चलिए इस वीडियो में सीख लेते हैं कि आप अपनी LIC पॉलिसी में पैन कार्ड को लिंक कैसे कर पाएंगे। बहुत ही आसान तरीका है, पूरी डिटेल में यहाँ पर बताऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक खास निवेदन कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो घंटी का निशान है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। आपकी LIC की जो पॉलिसी है उसमें पैन कार्ड लिंक करने के लिए आपको चले जाना है गूगल क्रोम के अंदर और यहाँ पर आपको लेनी है न्यू टैब। न्यू टैब लेने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है LIC पैन लिंक। जैसे ही आप ये सर्च करोगे आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी, ऑनलाइन पैन रजिस्ट्रेशन। अब देखिए दोस्तों, इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर आ रहा है। अब दोस्तों, यहाँ पर आपके पास क्या चाहिए कि पैन कार्ड हैंडी अलॉन्ग विद द लिस्ट ऑफ पॉलिसीज, मोबाइल नंबर इज़ टू बी एंटर्ड, आफ्टर सबमिट द फॉर्म मैसेज विल बी शोन ऑन द सक्सेस ऑफ द रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले तो हम चेक कर लेते हैं कि चेक पॉलिसी पैन स्टेटस, मतलब पॉलिसी के अंदर पैन कार्ड जोड़ा हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर हम पॉलिसी नंबर डाल देते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप यहाँ पर अपनी पॉलिसी का जो नंबर है वो डाल दीजिए। मैंने पॉलिसी नंबर डाल दिया। अब यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, तो यहाँ पर हम डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। यहाँ पर आपको पैन कार्ड का नंबर डालना है और यहाँ पर ये जो अब यहाँ पर ये जो कैप्चा दिखाई दे रहा है वो आपको फिल करना है और यहाँ से सबमिट कर दें। अभी जो कह रहा है पैन नॉट रजिस्टर्ड इन योर सिस्टम अगेंस्ट द पॉलिसी नंबर, क्लिक हियर टू रजिस्टर योर पैन विथ अस। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है, तो यहाँ से हम डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हमने डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर ली, जेंडर में मेल हो गया, ईमेल आईडी यहाँ पर डाल देते हैं और यहाँ पर हम पैन कार्ड नंबर डाल देते हैं। पैन कार्ड में आपका जो नाम है वो आप डाल दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल दीजिए। और यहाँ पर आप अपनी पॉलिसी का नंबर डाल दीजिए और ऐड पॉलिसी यहाँ पर आप कर लीजिए। अब यहाँ पर ये कॉलम है, यहाँ पर टिक कर लीजिए। ये जो कैप्चा दिखाई दे रहा है वो कैप्चा आपको यहाँ पर फिल करना है। और अब यहाँ पे गेट OTP कर दीजिए। अब आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उसके ऊपर एक OTP आने वाला है। OTP हैज़ बीन सक्सेसफुली सेंट। ये देखिए OTP यहाँ पर आ गया है, तो ये OTP हम यहाँ पे डाल देते हैं। और यहाँ पे हम सबमिट कर देंगे।
ये आप देखिए, रिक्वेस्ट फॉर पैन रजिस्ट्रेशन रिसीव्ड, योर पैन रिसीव्ड फॉर लिंकिंग टू योर फॉलोइंग LIC पॉलिसी। अगर आपके पास कोई और LIC की पॉलिसी है तो वहाँ पर भी आप इसी तरह से अपना पैन कार्ड जो है वो लिंक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आप किसी विषय पर कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइए। आज तक के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय सेना।